सड़क निर्माण के दौरान काटे गए खेतों के मुआवजे की मांग को लेकर मंडलशिरा निवासी ग्रामीण बीते कई सालों से विभाग के चक्कर काट रहे हैं। ग्रामीण ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की मनमानी व हठधर्मिता के चलते उन्हें मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। मंडलशिरा के ग्रामीण गोपाल सिंह थापा ने बताया कि भागीरथी मंडलशिरा बाईपास निर्माण के दौरान जबरन उनकी जमीन काट ली गई। ग्रामीण ने आरोप लगाया कि विभाग जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। कई बार मुआवजे की मांग को भी लोक निर्माण विभाग द्वारा अनसुना किया जा रहा है। परेशान ग्रामीण गोपाल सिंह थापा ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें मुआवजा देते हुए न्याय नहीं दिया गया तो वह लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में अनशन करेंगे। ये समस्या ऐसा है, 2009 में सर्वे हुई, इधर 2009 में सर्वे होने के बाद में कुछ लोग यहाँ से पिलर गड़े और यहाँ जहाँ सर्वे हुई है उधर को मकाने बने हैं, खेत खाली हैं, दो दो ये उधर के खेत के ऊपर को कम से कम 2 लाख इतने हजार का ऊपर पेमेंट है, वो खेतें खाली हैं। इस खेत में पेमेंट हुआ है, ऊपर पेमेंट हुआ है। मेरा सिर्फ उस समय यही साहब ने बोला मेरे को, मैं डीएम साहब के पास गया, पहले विधायक साहब के पास गया, विधायक ने बोला अभी यहाँ का कोई वो नहीं होगा, नीचे ख़त्म कर दिया, यहाँ कहाँ आती है, 20 साल तक नहीं आएगी इधर, तो वहाँ तो 10 दिन में आ गया। ये नीचे ऊपर करने लगे थे, मैं उस समय डीएम गरबियाल साहब के पास में गया, गरबियाल साहब ने मुझे यही बताया कि वहाँ से वहाँ जाओ आप। मैं 1 बजे फिर वहाँ दौड़ा पीडब्ल्यूडी में, वो इंजीनियर साहब जो थे अच्छे थे, उनने कहा आपका कुछ नहीं कट रहा है, क्योंकि मेरा ये ऊपर के खेतों से 4-5 फीट नीचे ये छोटे खेत थे, फिर उसके बाद बड़ा खेत और नीचे है वो 2 फीट। तो इन लोगों ने उस समय पिलर ऊपर छोड़ के ये लाए, जब ये गाड़ी तो काट दिया इन्होंने, फिर 2011 में मेरे को एई साहब ने बोला था कि जब हम बुलाएंगे तब आप आना और आप विश्वास करना आपका कुछ नहीं कट रहा है। जब मैं वहाँ गया, वहाँ अर्जी निवेश करने भी मैं मेरे जाने तक लिख दिया था, 2 आदमी ने और किया मेरे साथ में, वो थे, मैं बाद में गया, बोला जाओ अंदर दिखा लो। जब अंदर गए पैसा दिया, 36,000 के जगह में 35 ही दिए। परसों वो अमीन बोल रहा है कि आप होश में थे बेहोश में, मैंने कहा मैं तो होश में या बेहोश में जो भी था, तूने 5 मुट्ठी फिर ये बैनामा 6 में कैसे दिखाया इनके रिकॉर्ड में, ये बेमतलब के किसी के दोबारा कर रहे हैं ये, और ऊपर को मकाने बन रहे हैं वो बन रहे हैं, मेरे खेत 3 मुट्ठी का बैनामा है, मैं इनको बार बार कह रहा हूँ कि आपने 3 मुट्ठी ले जाएं, ये 3 मुट्ठी जहाँ होता है, पटवारियों से भी मेरे को वो नहीं लग रहा है, नीचे से वो कर रहे, ऊपर से अगर ये करते तो मेरा खेत जितना बनता जितना दब रहा था वो निकलता। अभी ये खेत आप यहीं पर देख लीजिए, ये ऊपर था, टॉप यहाँ आएगा बोला अभी नए यही साहब ने, लेकिन ये टॉप थोड़ा ज़मीन चाहिए हमको नीचे टॉप के लिए, उसके बेस के लिए, और मैंने दिया तो इन्होंने यहाँ कर दिया। और मैं 2 बार डीएम मैम के पास में 18 में गया, 18 जुलाई में, उसके बाद डीएम मैम ने बहुत वो किया, पटवारी जी ने पता नहीं रिपोर्ट बोर्ड लिखी, अभी परसों बोल रहे आपका ये है और 8 मुट्ठी और करना है, और मैंने कहा क्यों करूँ मैं, इन्होंने सिर्फ अपने और उसके लिए ऑडिट के लिए वहाँ बनाए गए, हमने वहाँ से वो मंगाया RTI, तो इनके RTI के आधार पर ही मेरे पास यहाँ पर हैं ये सारे वो दस्तावेज, सब हैं मेरे पास, 3 मुट्ठी का बैनामा कितने बार चेक करने पर तहसील में भी नहीं है, यहाँ पर सारे दस्तावेज मेरे पास पड़े हुए हैं और नक्शे भी हैं यहाँ, ये है इसमें 3 मुट्ठी का बैनामा है, उसके बाद में कहीं भी नहीं है। और इन्होंने ये इनके RTI में ये गोपाल सिंह और 3 मुट्ठी का बैनामा है, 3 मुट्ठी में 36,000 ये हैं, इसी खेत में ये मेरा बैनामा ऊपर के खेत में किया, ये नीचे ये 92 नंबर खेत है, 63, 92, ये 94, 93 और उधर का 94, नीचे 95 है बड़ा खेत, तो मेरा इसी इन्होंने 379 में किया है, ऊपर नीचे होना चाहिए था बैनामा, ये कोई जंगल या बेनाब जगह नहीं है। तो उसके बाद में इसी खेत में फिर हिम्मत सिंह जी ने किया है, इस खेत में फिर मेरा 6 मुट्ठी का फिर दिखाया गया है, जो कि ये विभाग की लापरवाही अमीन की, और 3 मुट्ठी ले जाओ बोला तो अब ये ज़बरदस्ती दबा रहा है मेरे को, इतने सालों से मेरा खेत इतना बंजर पड़ा है, मेरे को कोई नहीं दे रहा, अभी भी बंजर पड़ेगा ये, और इसका मेरे को मुआवजा मिले इसकी तत्काल। मैंने जब यहाँ गया ठेकेदार ने भी बोला मेरा इतना हर्जा हो गया, परसों वो गलत बोलने लग गया जरा सी, बोला HDM के पास जाओ, DM के पास जाओ, तब उसके बाद मैं दौड़ा पटवारी जी के पास गया, मैंने कहा मैं रिपोर्ट लिखा रहा हूँ आप ही बताइए, तो इन्होंने यहाँ तुम्हारा नहीं है बोला, तुम्हारा हक नहीं है बोला, पिछले दफे कितने जेई आ गए उसकी वो आ रहे हैं, और बोला ये हमारा अमीन पेंशन चले गया, और पिछले जनवरी में तहसीलदार साहब आए खुद ही,
और अमीन पेंशन चले गया बोला उन लोगों ने। अमीन तो यहाँ जिंदा ही है। अब मुझे विभाग से इतना ही है, प्रशासन से, और मैंने सीएम उसमें भी दिया है हेल्पलाइन में, उसका रिपोर्ट भी आने वाली है। मेरे को न्याय दिलाएं, तीन मुट्ठी मेरी जहाँ बनती है इससे नीचे भी बनती है ले जाएं। बस मैं 2009 से परेशान हूँ, 11 से बिल्कुल ही ये खेतें बेनामी किया, उस समय इन्होंने मिट्टी डाल दी, तब से खेतें ये बंजर पड़ी हुई हैं। और ये दीवार लगाई आज 4-5 साल हो गए, दीवार उसी समय 6 महीने में टूट के नीचे चले गई। आप देख रहे हैं ये सारी दीवार ये नीचे चले गई, बाढ़ आई पिछले दफे उसमें। किसी तरीके से मुझे CCN न्यूज के माध्यम से अगर ये मिल जाए, मैं पिछले साल से कोशिश कर रहा था उनसे भी लगाव करने का, नहीं हो पाया, लेकिन आज आए मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, और मेरे को ये न्याय दिलाया जाए। और मैंने CM हेल्पलाइन में भी रिपोर्ट दी है, और उसका तुरंत आके मेरा ये इसको तीन मुट्ठी ले जाएं और मेरी ज़मीन को खाली कर दें। और ये जब मकाने बन रहे हैं इधर, ये बन गए वो बन, ये कैसे दे रहे हैं, ये किस प्रकार दिया इन्होंने। PWD यहाँ रात दिन चलती है, और विभाग वाले रात दिन चलते हैं रोड के किनारे। हमें तो बोल, नहीं तो मैंने भी मकान बनाना था, मैं लड़का पेल्सन आ गया था, मैंने नहीं लगाया, मैंने कहा विवादित हो रहा है, मैंने तोड़ना थोड़ी है, मैं रुका हुआ हूँ इसीलिए। तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, और मेरे को न्याय दिलाया जाए। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।